दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, उस इंटरव्यू को पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। मैं स्मिता जी के शान में एक बात कहना चाहूंगा, वैसे मैं कह रहा हूं कि मैं उनको डिफेंड नहीं करना चाहता, डिफेंड करने के लिए पत्रकार जगत से ही भाई बैठे हैं, मगर उन्होंने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे, सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे, कर्टियसली पूछे, विदाउट एनी अननेसेसरी एग्रेशन पूछे। क्या ये गलत काम है? आप बताइए, क्या ये गलत बात है? सारे क्वेश्चन, राम मंदिर का इशू हो, लिंचिंग का इशू हो, महागठबंधन का इशू हो, रफाइल का इशू हो, जो सारे इश्यूज हिंदुस्तान जानना चाहता था, कोई भी इशू उन्होंने छोड़े नहीं, मगर हाँ बहुत कर्टियसली पूछे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठी थी। इसमें कोई बुराई है क्या? ठीक ठीक है, जयंत घोषाल मैं आपके पास आ रहा हूं। जयंत घोषाल, जो चीज शायद संबित ने कही वो मैं रिपीट करूंगा, ठीक का उन्होंने, स्मिता प्रकाश का बचाव हम करने नहीं बैठे हैं, वो खुद सक्षम है अपनी बात रखने के लिए, उनको अगर टारगेट किया जा रहा है वो खुद सक्षम है। मेरा सवाल ये है कि ये चीज दिखाती क्या है? या तो जो बीजेपी कह रही है कि ये इमरजेंसी का डीएनए है कांग्रेस पार्टी का, पत्रकारों पर हमला करना। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, इमरजेंसी के दौरान 327 पत्रकारों को मीसा कानून के तहत जेल में बंद कर दिया था, अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा था। तो हम तो यही कहेंगे भाई, इमरजेंसी में पत्रकारों को जेल में ठूसने वाले पत्रकारिता का ज्ञान दे रहे हैं, ये इमरजेंसी वाला डीएनए है ना जयंत घोषाल? देखिए, ये समस्या पत्रकारों के लिए, हम लोग विक्टिम हो जाते हैं जब स्मिता एक व्यक्तिगत तौर पर, हम उनको पर्सनली जानते हैं, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे हम लोग बहुत एक साथ सफर भी किए हैं, विदेश में भी गए हैं, और एएनआई के कारण एजेंसी है ना, तो सबको फीड करते हैं, इसीलिए उसको मतलब सिलेक्ट करने में एक इंटरव्यू से बाकी लोगों को मिलता है, ये हमारा प्रोफेशनल इश्यूज है। लेकिन सवाल है कि एक पत्रकार को नाम लेके बाकी पत्रकारिता के ऊपर राहुल गांधी ने जो आपने तरफ से राहुल गांधी जी जो बोले हैं उसको कंडेम इसीलिए हर पत्रकार को करना चाहिए कि हम राहुल गांधी को अगर इंटरव्यू चाहे और राहुल गांधी अगर हमें इंटरव्यू नहीं देते हैं और वो अगर चुनते हैं किसको इंटरव्यू देंगे और उसमें क्या सवाल होगा क्या सवाल नहीं होगा, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। हमें पता है कि कैसे ये इंटरव्यू होता है, कैसे स्क्रिप्ट होता है। तो जब पत्रकारिता के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं। और आप जो कह रहे हैं ना, ये इतिहास तो है ही। मैं आपको बताऊंगा, एक लेख है खुशबंत सिंह जी का, वाई आई सपोर्टेड इमरजेंसी जी, और खुशबंत सिंह जी को मैं सम्मान करता हूं, आज वो है नहीं, लेकिन उसमें लिखा था कि मैंने इसीलिए इमरजेंसी को, बहुत फ्रैंक थे ना, इसीलिए खुशबंत सिंह जी ने बोले थे कि मिसेस गांधी ने फोन करके हमारे मालिक को कहा था इनको एडिटर बनाओ, कि हमको सपोर्ट किए हैं इमरजेंसी में संजय गांधी को, इसीलिए उनको एडिटर बनाओ, और उन्होंने मुझे एडिटर बनाने के मजबूर किए हैं और राज्यसभा तक ले गए हैं, इसीलिए मैंने सपोर्ट किए थे। तो देखिए, ये जो परंपरा कांग्रेस की तरफ से है वो लेख में खुद लिखे हैं, और ये जो परंपरा, मैं केवल वर्मा एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो लिखे थे, इंदिरा गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कोई सवाल किया गया था जो तीखी सवाल था, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे मालिक को मैं जानता हूं, आई कैन डिसमिस यू। ये केवल वर्मा बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, अभी वो भी गुजर गए हैं, लेख है जी, रिटेन है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये परंपरा राहुल गांधी फॉलो ना करे तो अच्छा होगा जी। हम लोग क्रॉनी जर्नलिज्म का विक्टिम हम लोग खुद नहीं होना चाहते हैं जी। तो जो सही है हम लोग सही बोलेंगे, जो गलत है तो गलत बोलेंगे। हम मोदी जी के जो सरकार के अगर हमको अच्छा नहीं लगे तो हम उनके बारे में भी क्रिटिसिज्म करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे जी। नहीं, क्रिटिसिज्म, अब उस इंटरव्यू में मैंने वो सवाल भी सुना, वो पुडुचेरी में जैन साहब ने एक सवाल पूछा था जिसको लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किरकिरी का सबब था, शर्मिंदगी का सबब था, वो सवाल भी, बल्कि पुडुचेरी के जैन साहब का जिक्र करके वो सवाल भी पूछा, अब वो सवाल नजर नहीं आ रहा। बहरहाल, निशांत वर्मा, फिर क्या करें, फिर क्या सवाल पूछे जाए? अगर हम प्लायबल का टैग लेने से बचना चाहें तो फिर पिद्दी वाले सवाल पूछे, फिर या तो समोसे, सास बहु, पास्ता, ये सवाल पूछे क्या? ये सवालों से हम प्लायबिलिटी, फिर वो टैग हमको नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। निशांत वर्मा, यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पत्रकारिता को मेरा सलाम,
कि इस देश में इतनी मुसीबतें होने के बावजूद पत्रकार अपना काम करते हैं। जहां तक बात आती है प्लायबल यानी लचीला होने की बात, तो ये तो जग जाहिर है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बिना किसी चैनल या किसी का नाम लिए। कई सारे चैनल्स हैं जो इस तरीके की हेडलाइंस बनाते हैं या इस तरीके का वक्तव्य जर्नलिस्ट रखता है या एडिटर रखता है कि ऐसा लगे, पब्लिक को लगे, देखने वाले दर्शकों को लगे कि ये किस तरफ का झुकाव है। ये बात भी अपने आप में प्लायबल काउंट होती है, लचीली काउंट होती है। लेकिन जब आती है बात नरेंद्र मोदी अमित शाह की बात करने के लिए, तो मैंने देखा है ज़्यादातर चैनल्स तक एकदम से ठिटक जाते हैं कि नहीं, हम वो भाषा नहीं इस्तेमाल करेंगे जो हम भाषा राहुल गांधी या सोनिया गांधी के लिए करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि समय अनुसार बदल जाता है। कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये सारी इस तरीके की भाषाएं भी बंद हो जाएंगी, मुझे पक्का अंदाज है इस बात का। तीसरी बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं इस इंटरव्यू के बारे में जो एएनआई का दिखाया गया है। क्रिटिसिज्म आया, मैं कंप्लीट करता हूं, आखिरी लाइन कह रहा हूं। क्रिटिसिज्म ये आया है कि भाई जब सवाल किए और जवाब भी आप ही ने दिए, वो ओपन एंडेड लीडिंग क्वेश्चन कहलाता है पत्रकारिता में। और खास करके मोदी साहब को मौका दिया गया कि वो अपने गुणगान करें, आप रिवाइंड करके सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में देख लीजिए। इस तरीके से बस हम तो सब भारतवासी देख रहे थे, रोने ही वाले हैं, बस रोने ही वाले हैं। मतलब इस तरीके की हालत, ये फिर स्टेज लगता है भले ही ना भी हो। जी मैं कह रहा हूँ निशांत वर्मा जी, एक जर्नलिज्म स्कूल खोल दीजिए ना, हम आ जाएंगे सारे, ट्रेनिंग दे दीजिएगा कैसे सवाल पूछने कैसे नहीं पूछने। आप ही लोग तय कर लीजिए, फिर बीजेपी से सवाल पूछने कांग्रेस तय करे, कांग्रेस से सवाल पूछने बीजेपी तय करे। आप ये एक लाइन और कह लेने दीजिए, बहुत अच्छी बात। नंबर एक, नंबर दो सर, बहुत अच्छी बात। एक ही लाइन कहना चाहूंगा, बीच में नहीं सर, एक ही लाइन कहना चाहूंगा मैंने आपको, बीच में मैं भूल जाऊंगा। जी जी कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं भूलेंगे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, जनता के दर्शक के विवेक पर सवाल मत उठाइए सर। जनता ना बहुत समझदार है सर, उसको क्या देखकर क्या तय करना है वो बहुत समझदार है, उसके विवेक पर हम लोग ना सवाल उठाएं दर्शक के। तो मेरे अब इन दोनों बातों का झुकाव किस तरफ किसका क्या है सब दिखता है। इन दोनों बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं आपके पास आऊंगा एक मिनट। शाहिद सिद्दीकी मेरे साथ हैं, शाहिद सिद्दीकी सीनियर जर्नलिस्ट है। शाहिद सिद्दीकी आपने भी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था मुझे याद है 2014 से पहले। आप पर यह प्लायबल टैग लगा था क्या उस वक्त, या आपने कैसे सवाल पूछे थे, या आप बच गए थे, क्या हुआ था? आपने भी इंटरव्यू किया था प्रधानमंत्री का? देखिए मैंने तो इंदिरा गांधी का भी इंटरव्यू किया 1977 में इमरजेंसी के बाद, और सब प्रधानमंत्रियों का किया है, और मोदी जी का भी किया जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। उस वक्त भी मैंने उनसे एक बात साफ कह दी थी कि मैं जो चाहूंगा सवाल पूछूंगा, खासतौर पे गुजरात के दंगे के बारे में पूछूंगा, और वो उठकर नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे पहले जब भी कोई टेढ़ा सवाल करता था जैसे करण थापर के इंटरव्यू में, वो उठ के चले जाते थे। मैंने ये शर्त रख दी थी कि आप उठकर नहीं जाएंगे, उनकी शर्त यह थी कि आप पूरा का पूरा इंटरव्यू छापेंगे। वो मैंने इंटरव्यू किया और बहुत सख्त और कटीले सवाल पूछे। उस वक्त भी मुझ पर भी आरोप लगा था कि साहब ये मोदी के हाथ, मुझे तो पार्टी से निकाल दिया गया, मैं समाजवादी पार्टी में उस वक्त और मुझे निकाल दिया गया, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा कि पत्रकार हर तरह के होते हैं, जैसे हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे, बहुत अच्छे और बहुत बुरे लोग भी होते हैं। यहां प्लायबल भी हैं, यहां बहुत ऑनेस्ट भी हैं, यहां बहुत वो भी हैं जो अपने उसूलों पे खड़े होते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी थे, इमरजेंसी लगी तो 4 बार जेल गए, 80 साल की उम्र थी, इमरजेंसी में जब जब छोड़ा दोबारा लिख के दोबारा जेल गए। तो हर तरह के पत्रकार हैं, तो यह समझना कि पत्रकार सारे ईमानदार हैं वो भी गलत है, यह कहना कि सारे पत्रकार प्रेस्टिट्यूट हैं ये भी गलत है, ये उनमें पीढ़ी कहना वो भी गलत है। तो कुछ लोग पत्रकारों को पीढ़ी कह देते हैं, अगर मैं आज मोदी जी को सवाल उठाऊं उनसे क्वेश्चन करूं तो मुझे प्रेस्टिट्यूट कह देते हैं, इनके मंत्री कह देते हैं, पीढ़ी कह देते हैं आप मुझे, कुत्ता कह देते हैं आप मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि पत्रकार को तैयार रहना चाहिए गाली सुनने के लिए। जब हम गाली देते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं, जब हम क्रिटिज्म करते हैं, तो हमें क्रिटिज्म सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हर आदमी हमारी बात से सहमत नहीं होगा, हर आदमी खुश नहीं होगा, लेकिन सच बात जो हमें लगती है वो कहनी चाहिए। हमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, न्यूट्रल हो ना हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। आपने एक बात कही सर, और आपने कहा कि कुछ बुरे पत्रकार भी हैं, कुछ अच्छे पत्रकार भी हैं। परवेज आलम साहब, रिस्पेक्ट फॉर हर, जी कुछ अच्छे पत्रकार हैं, कुछ बुरे पत्रकार हैं, कुछ प्लायबल पत्रकार हैं, आपने कहा, मतलब कुछ लचीले प्लायबल हैं। मेरा सवाल यह है परवेज आलम साहब, ये प्लायबल की डेफिनेशन कौन तय करेगा? मतलब अगर हम रॉबर्ट वाड्रा की जमीन घोटाले से जुड़ा सवाल पूछ लेंगे तो हम प्लायबल हो जाएंगे सर? अगर हम 2G 3G जीजाजी से रिलेटेड सवाल पूछ लेंगे तो प्लायबल हो जाएंगे? सिकनर संघार में कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही तय करेंगे तो प्लायबल हो जाएंगे? राजनीति में परिवार राज का जिक्र करेंगे तो प्लायबल हो जाएंगे? बोफोर्स में दलाली का जिक्र करेंगे प्लायबल हो जाएंगे? अगस्ता में मिसेस गांधी कैपिटल आर का जिक्र करेंगे तो हम प्लायबल हो जाएंगे सर?
बाकी जो नहीं करेंगे वो निष्पक्ष हैं, जो ये सारी चीजें करेंगे वो प्लायबल हो जाएंगे। नहीं, आप प्लायबल तब तक कहलाएंगे जब तक आप सिर्फ एक ही पक्ष से एक ही तरह के सख्त सवाल करेंगे। आपने जितने भी सारे सवाल बताए वो सिर्फ कांग्रेस के हवाले से बताए, लेकिन आप प्लायबल तब नहीं कहलाएंगे अगर आप कांग्रेस के साथ सख्त सवाल करते हैं और साथ ही आप अमित शाह से पूछते हैं कि सोहराबुद्दीन केस में आपका क्या हुआ था। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब हिम्मत करके ये सवाल पूछेंगे गुजरात के दंगों के बाद क्या स्थिति है और क्या उनका रोल रहा था। आप प्रधानमंत्री से जब रफाल के बारे में सख्त सवाल करेंगे और राहुल गांधी से भी वैसे ही सख्त सवाल करेंगे तो शायद प्लायबल नहीं कहलाएंगे। मैं आखिरी बात इस इंटरव्यू के हवाले से एक बात ये कहना चाहता हूं, वो ये है कि मुझे इंटरव्यू से बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है। पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं आपके लिए, इसमें तो प्रकाश मेरी दोस्त भी हैं लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छी बात यह लगी कि अब तक जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यूज हुए हैं वो किसी हद तक बड़े सॉफ्ट इंटरव्यू रहे हैं, और ये 2019 में साल में पहला इंटरव्यू ऐसा था जिसमें हमें ये देखने को मिला कि बहुत सारे सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं, और प्रधानमंत्री ने यह भी बात सही है कि बड़े इत्मीनान से उन सारे सवालों का जवाब दिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह कि लफ्ज प्लायबल से मुझे भी आपत्ति है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस लफ्ज के अलावा कोई और दूसरा लफ्ज का इस्तेमाल भी कर सकते थे। तीसरी बात यह है कि पत्रकारों पर पत्रकार ही हमले करते हैं भाई, ये मत भूलिए। मिसाल के तौर पे एक खेमा दूसरे खेमे पे करदा सागरे का घोष, राणा अयूब या राजीव सरदेसाई वगैरह वगैरह, ये वो ऐसे पत्रकार हैं जिन पे प्लायबल होने का इल्जाम लगता है, तो ये इल्जाम दोनों तरह से चलता है। नहीं सर, लेकिन एक चीज है ना, आपने कहा सॉफ्ट सवाल, सर सॉफ्ट और सख्त की परिभाषा भी तो आप ही लोग तय करते हैं ना। अब कौन सा सॉफ्ट है कौन सा सख्त है, जिसको सूट करेगा वो तय कर लेगा। प्रधानमंत्री से ये पूछा जा रहा है मोदी मैजिक खत्म हो गया है, ये इंटरव्यू के दौरान मैंने सवाल सुना मोदी मैजिक मोदी वेव खत्म होता जा रहा है। अब ये सख्त सवाल नहीं है, ये फिर अच्छे सवाल सख्त सवाल क्या होते हैं? सवाल ये होते हैं कि मुझे, मैं पिद्दी से नहीं मिली, ये अच्छा सवाल है, ये सख्त सवाल है। सख्त सवाल ये कि समोसा पसंद है या गुड़ की जलेबी पसंद है, ये सख्त सवाल है। आप पास्ता बनाती हैं, ये सख्त सवाल है। ये सख्त सवाल है क्या संबित? ये सख्त सवाल पूछे ही नहीं जा रहे हैं। मैं एक मिनट मैं संबित, मैं आपके पास आऊंगा। पत्रकारिता का ज्ञान देने वाली कांग्रेस पार्टी किस तरह से पत्रकारों पर ही अटैक करती है, ये आपको एक क्लिप दिखाते हैं पहले, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। वो क्लिप देखिए पहले आप। राहुल गांधी और कांग्रेस आलोक शर्मा, अभी आपने कुछ शब्द कहे, 2019 के बाद कितने जेल में जाएंगे देशद्रोह के आरोप में? आप थ्रेट कर रहे हैं क्या हमको? आप धमका रहे हैं, आप धमका रहे हैं। आप तो कांग्रेस, आप तो पार्टी आने से पहले, आप तो सरकार आने से पहले धमका रहे हैं। देखिए सचिन भाई, आप व्यक्ति बहुत सज्जन हैं, पर दिक्कत ये है कि जी टीवी के एडिटोरियल लाइन भाजपा की लाइन है। इसमें भाजपा कहां से आ गया? मैंने एक सवाल पूछा सिद्धू कांग्रेस के मंत्री सर, आपने कहा ना कि आप ना जी टीवी के एडिटोरियल लाइन पे अगर आप सवाल उठा रहे हैं ना तो मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। बोलेंगे क्या चल रहा है जी न्यूज पर, उसको पढ़ ले सर। आप, मैं आपको बताऊं, भाजपा का पक्ष रखते रखते लोग बावले हो गए। मैं ना रोज सुनता हूं आप लोग जी मीडिया पर सवाल उठाते हैं, ऑडियो बंद करिए इनका। आप जानते हैं ZMCL क्या है? ZMCL 100 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। ZMCL 1 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं। ZMCL के 100 से ज्यादा चैनल हैं। कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोल जाएगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। जी मीडिया के खिलाफ, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। ये बस याददाश्त ताजा करने के लिए समित, क्योंकि आप ही नहीं डिबेट्स का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। पत्रकारों पर सवाल उठा देना बहुत आसान होता मेरे ख्याल से, पत्रकार बिका हुआ है, गोदी मीडिया है, जहां थोड़े से तल्ख सवाल पूछ लिए जाए ना तो सीधे सीधे पत्रकार बिका हुआ है, पत्रकार बीजेपी का एजेंट है, सीधा वो उसको ब्रांड कर दिया जाता है, टैग कर दिया जाता है, लेकिन सवाल पूछने तो नहीं छोड़ेंगे ना संबित। देखिए अमन भाई, यहाँ पे बड़े लोग बैठे हुए हैं, कुछ सवाल मेरे सामने रखे गए, मैं इसका जवाब देता हूँ। डायरेक्टली मुझसे पूछा नहीं गया मगर मैं फिर भी जवाब देता हूँ। देखिए जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मैं मानता हूँ, मेरे को ठीक कर दे अगर मैं गलत हूँ, तो मोदी जी हिंदुस्तान के वर्तमान के वो राजनीतिज्ञ हैं जिनका सबसे ज़्यादा मीडिया ग्रिलिंग हुआ है। लगभग 12 से 14 वर्षों तक मीडिया की सुर्खियों में वो इस प्रकार से छाए रहे, जिस प्रकार से एक अटैक होता है व्यक्ति के ऊपर हर पल, मौत का सौदागर, इस प्रकार से गलती की, इस प्रकार से उनको निकाल देना चाहिए, लगातार, और आज भी मीडिया ग्लेयर में वो है।
अमित भाई शाह का तो हश्र ये रहा कि उनको जेल तक भेज दिया गया, और अब शोराबुद्दीन के केस में जजमेंट आया है जिसमें कोर्ट ने खुद कहा है कि ऐसा लगता था मानो किसी प्रायोजित ढंग से अमित शाह के साथ कोई जो है बदमाशी की जा रही थी, पूरा का पूरा विषय प्रायोजित था। तो इन लोगों ने फेस नहीं किया है मीडिया ट्रायल, ये एकदम ऊपर से टपक के प्रधानमंत्री बन गए, ये बात गलत है। दूसरी बात है, देखिए एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होती है और दरबारी रखने का, अपने साथ दरबारी रखने की प्रवृत्ति होती है। गांधी परिवार विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। आप याद करिए, यहाँ घोषाल साहब बैठे हैं, सिद्दीकी साहब बैठे हैं, इमरजेंसी जिस दिन हुई थी, कई जो बड़े बड़े यहाँ बहादुर शाह जफर रोड है, यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, बिजली काट दी गई थी ताकि एडिटोरियल लिखा ना जा सके, हेडलाइन ना छप सके अगले दिन। देयर वाज नो इलेक्ट्रिफिकेशन, उस दिन इलेक्ट्रिसिटी गायब कर दिया गया। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग पे अब जाके जजमेंट आ रहा है, उस बिल्डिंग को खाली किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग का मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता के लिए रखा गया था, पत्रकारिता के बिल्डिंग से अपने लिए पैसे कमाने का सोर्स बनाना एक परिवार ने किया, कोर्ट में पूरा विषय गया, कोर्ट ने कहा कि बिल्डिंग खाली कर दीजिए। आप सोचिए, पत्रकारिता के नाम पर अपने जेब तक भरने को इन लोगों ने अंजाम दिया है। प्लायबल कौन है? पत्रकार प्लायबल है या द करप्ट पॉलिटिशियंस जिन्होंने पत्रकारिता के नाम पर अपने जेब भरे, वो प्लायबल है? ये सवाल का जवाब मैं चाहता हूं। तो फिर जयंतो घोषाल और आपके पास सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले जयंतो दा, मतलब जो परिवार की बात करेगा वही असली पत्रकार कहलाएगा। देखिए, बिल्कुल इसमें मैं सहमत हूं कि एक समस्या ये होती है कि अगर आपको पसंद ना हो तो वो पत्रकारिता और वो पत्रकार को आप कह देते हैं कि प्लायबल है। ये जो अप्रोच है ये कंडेम करना चाहिए। देखिए, मेरा दो इशू, दो बिंदु में बोलना चाहता हूं। एक है, ये चर्चा बहुत अच्छा हो रहा है जिसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहा है। मेरा कहना है कि हर इंटरव्यू एक राजनेता को अपॉर्चुनिटी देता है जो वो सवाल का जवाब देने का, और पत्रकार का काम है वो सवाल, तीखी सवाल करना, और वो सवाल का जवाब देने से उसको फेवर नहीं कर रहे हम। हमको सिखाते हैं कि जब बीजेपी को सवाल करोगे तो बीजेपी के खिलाफ तीखी सवाल करोगे जिसमें बीजेपी अपना सवाल का जवाब देगा, उनके साथ झगड़ा करना मेरा काम नहीं है। जब कांग्रेस को नेता को मैं सवाल करूंगा तो लगेगा कि हम कांग्रेस के खिलाफ हूं, बीजेपी को जब सवाल करूंगा मुझे लगेगा कि बीजेपी के खिलाफ हूं। तो मेरा काम है तीखी सवाल करना, और इंटरव्यू अगर राहुल गांधी ANI में इंटरव्यू देना चाहते हैं और वो अगर ANI में सेंसर करे, इंटरव्यू ना दिखाए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करते हैं, तब अगर हर चैनल में इतना अच्छा कवरेज कल हुआ है और उसमें तो राहुल गांधी कोई पत्रकारिता को सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम राहुल भक्त हो गए हैं क्योंकि राहुल गांधी का इतना बड़ा कवरेज, जब चैलेंजर कवर स्टोरी हो रहा है तब क्या ये पत्रकारिता अच्छा ये पत्रकारिता नहीं है? वो राहुल गांधी का प्लायबल पत्रकारिता है, मतलब शायद से। तो इसीलिए आप सिलेक्टिव आउट हो रहे हैं। मगर दूसरी बात है, तीखी सवाल करना भी प्यार से कर सकते हैं, चिल्ला के करने का जरूरत नहीं होता है। अगर आप अब्यूसिव लैंग्वेज में किसी को सवाल करते हैं तो वो मुझे लगता है वो रॉन्ग अप्रोच है। कुछ लोग मिठास के साथ भी तीखी सवाल करने का तरीका जानते हैं, पत्रकार ऐसे पत्रकार है बहुत मिठास से तीखी सवाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका एकदम चमचा टाइप कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, झगड़ा करने पत्रकारिता दिखाएंगे। थोड़े से सख्त सवाल पूछने पर आपको टैग कर दिया जाता है, आपकी ब्रांडिंग हो जाती है भक्त। ये आजकल नया शब्द चला है भक्त, जो 70 साल से भक्ति चल रही थी उस पर कोई नहीं बोलेगा, अब भक्त टैग कर दिया जाता है। शायद से देखिए, देखिए ऐसा है कि पत्रकार को तो हमेशा सुनना पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूं पत्रकार की एक बुनियादी जिम्मेदारी है, उसकी एक ड्यूटी है। उसकी ड्यूटी यह है कि जो भी सत्ता में है उस पे सवाल उठाना, क्योंकि देश में चुनाव होता है 4 साल 365 दिन में एक बार, लेकिन उसके बाद जनता तो सवाल नहीं कर सकती, जनता की तरफ से पत्रकार सवाल उठाता है। तो असल निशाना पत्रकार का होना चाहिए जो सत्ता में है, और जो सत्ता के बाहर है उस पर भी सवाल उठाए, लेकिन अगर सत्ता पे बैठे पे सवाल नहीं उठाता, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करता है, तो फिर वो मैं समझूंगा कि प्लायबल पत्रकार है। और ऐसे पत्रकार हमेशा रहे हैं,
बहुत बड़ी तादाद में रहे। इमरजेंसी के वक्त भी बहुत ज्यादातर पत्रकार जो थे वो इमरजेंसी में जब उन्हें झुकने को कहा तो सज्दे में चले गए थे। मुझे बात कह दीजिए, मैं भी मैंने सारी जिंदगी पत्रकारिता की है। बहुत सीनियर है मेरे से सर, बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर मैं जानता हूँ सिद्दीकी साहब, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है जो ट्विटर पर भी आ रहा है। मैं सारी जिंदगी मैंने पत्रकार, मैं जानता हूँ सिद्दीकी साहब, लेकिन सर ये प्लायबल कौन तय करेगा? ये तो आप जिसको सूट करता है वो प्लायबल हो जाता है। मैंने कहा ना सर, अगर मैं एक मिनट सर, मेरा सवाल सुनिए सर, सिद्दीकी साहब एक मिनट, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए मेरे को, सिर्फ 30 सेकंड का जवाब दे देता, सिर्फ 30 सेकंड सर। मैं अगर रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले से जुड़ा सवाल पूछूंगा ना सर, मैं प्लायबल हो जाऊंगा। मैं अगर सिख नरसंहार में कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही तय करूंगा, मैं प्लायबल हो जाऊंगा। आप अगर मैं परिवार राज पर सवाल उठाऊंगा, मैं प्लायबल हो जाऊंगा। आप पे कोई सवाल नहीं पूछेंगे तो आप प्लायबल हैं। अगर सरकार गलत करती जाए और आप सवाल सरकार पे कोई सवाल ना उठाएं, अगर आप प्रधानमंत्री पे सवाल ना उठाएं, अगर आप मंत्रियों पे सवाल ना उठाएं, उनकी उनकी हर बात से सहमत होते चले जाएं, तो फिर इसका मतलब प्लायबल कह लीजिए, प्रेसिडेंट कह लीजिए, मोदी मैजिक कह लीजिए, बिका हुआ कह लीजिए, लेकिन आप पत्रकारिता की जिम्मेदारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप जिम्मेदार पत्रकार हैं तो पहला सवाल आपको सरकार पे उठाना है, उसके बाद आपको अपोजिशन पे उठाना है। सिर्फ अपोजिशन के ऊपर अगर आप सवाल उठाते जा रहे हैं तो आप ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप बेईमान पत्रकार। सर, आप उसे मत कहिए प्लायबल, मैं उसे बेईमान कहूंगा। जी 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 जी, ईमानदार पत्रकार जो है वो जो सत्ता में हो जाए, जो ताकतवर है, पकड़ने में नाकाम हो गए, उसके ऊपर सवाल उठाता है। अच्छा सर, ये सवाल उठाना नहीं है, इंटरव्यू मैंने भी देखा सर, आपने भी देखा होगा, मोदी मैजिक खत्म हो गया, ये प्लायबल पत्रकारिता है। नीरव मोदी विजय माल्या को आप लानी पे नाकाम रहे, ये प्लायबल पत्रकारिता है। नोटबंदी नाकाम रहे, ये प्लायबल पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ। ये इंटरव्यू तो अच्छा है, इंटरव्यू की बुराई नहीं कर रहा मैं सर, इसी इंटरव्यू में तो प्लायबल कहा गया। सुमिता ने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया है, और लेकिन नहीं, काउंटर क्वेश्चन करने चाहिए तो नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक पत्रकार का अपना अंदाज होता है। उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू पे मैं सवाल नहीं उठा रहा, इसे आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सवाल उठाया पत्रकार होता है उसका सवाल, लेकिन चर्चा का विषय ये इंटरव्यू उठाने दीजिए उनको, तो हर एक को उठाएगा। तो सर मेरे इंटरव्यू में तो इमरजेंसी वाले डीएनए पर सवाल उठा देंगे, समित जी उठा देंगे। पत्रकारों पर हमला या उनकी बोलती बंद करना इमरजेंसी वाला डीएनए कांग्रेस पार्टी के डीएनए में, यही तो मैं सवाल उठा रहा हूँ भाई। जो परिवार की बात करेगा वही असली पत्रकार कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, पत्र को उठाने दीजिए सवाल। अरे तो उठाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? परवेज आलम सब उठाते हैं, सबके सवाल आपके पास उठाते हैं, पत्रकार सवाल तो हम पे भी उठाने दीजिए। जी 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 जी, मैं पहली बात तो याद करूंगा, मैं वापस उसी इंटरव्यू की तरफ आता हूं, स्मिता प्रकाश ने जो इंटरव्यू किया, जैसे शाहिद सिद्दीकी ने कहा, और मैंने यहीं से बात शुरू की थी अपनी, मैंने ये कहा था कि मुझे इंटरव्यू से कोई परेशानी नहीं है पहली बात, और मुझे शब्द प्लायबल्स पे भी थोड़ी सी आपत्ति थी कि राहुल गांधी को इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ये बात मैंने कही है। तीसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि मुझे, और मैं थोड़ी सी उनकी तारीफ में ये बात कहूंगा स्मिता प्रकाश की, वो अंग्रेजी वाली है, हिंदी वाली नहीं है, यही वजह है कि थोड़ा हिंदी में झिझक रही थी, जो शायद जो भी उनका एक स्टाइल है वो ठीक से निकल के नहीं आया। चौथी बात ये है कि मैंने, अब मैं रास की बात बताता हूं भाई साहब आपको, कि मैं 5 साल बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पे हार्ड टॉक इंडिया का प्रोड्यूसर रहा हूं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। करण थापर मेरे प्रेजेंटर होते थे, और करण थापर ने जितने भी इंटरव्यूज किए बीबीसी के, ज्यादातर वो मेरे कार्यकाल में किए हैं, तो अगर जरा मेरी तरफ भी देखेंगे तो उसमें होगा ये कि दो तरह के इंटरव्यूज होते हैं, एक फेस टू फेस होता था जो हम लोग करते थे, एक हार्ड टॉक इंडिया होता था, हार्ड टॉक इंडिया में ग्रिल करते हैं, एग्रेशन करते हैं, और खास तौर पे जैसे शाहिद सिद्दीकी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो सत्ता पक्ष है उसको छोड़ते नहीं है, सख्त से सख्त सवाल उससे किए जाते हैं, विपक्ष से भी सवाल होते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी को एक संवाददाता सम्मेलन भी कर लेना चाहिए, अच्छा बोलते हैं, घबराने की क्या बात है, मतलब एक संवाददाता सम्मेलन नहीं कि आप सोचिए पूरे 4 साल में, ये एक अजीब सी बात है। संबित, संबित, संबित। देखिए दरअसल जो जिस चीज का डर था वही हुआ, जो चीज मन के अंदर कुलबुला रही थी, देखिए अटैक दरअसल स्मिता प्रकाश जी से होते हुए नरेंद्र मोदी तक जाना था, अटैक नरेंद्र मोदी पर ही लगातार करना है कि नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल आ सकते थे उनसे अधिक सवाल तो 95 मिनट्स के इस इंटरव्यू में आया है, हर एक विषय को स्पर्श किया गया है। याद करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें पूछा जाता था कि सचिन तेंदुलकर के जो मैच आज होने वाले हैं उसके विषय में आपको क्या कहना है, यह भी पूछा गया था, और गलती से किसी पत्रकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछ लिया था कि जो CEWG घोटाला है उसके विषय में आप क्या कहेंगे, तो उनके बगल में उनके मीडिया एडवाइजर खड़े थे, उन्होंने तुरंत रोक दिया और कहा कि नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू आस्क दिस क्वेश्चन। पर जब दो बार उस पत्रकार ने वो सवाल पूछा तो एक
प्रिंटेड रिपोर्ट अर्थात एक प्रिंटेड आंसर सबमिट किया गया पत्रकार वार्ता के बाद में कि हम आपको बाद में एक रिटर्न लेटर सबमिट करेंगे, वो उत्तर रहेगा, एक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार की वार्ता होती थी। सोनिया जी का भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें पूछा गया था कि आप पास्ता कैसे बनाती हैं, आपने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया, इंदिरा गांधी कैसी सास थी, और फिर कई ऐसे सवाल पूछे गए। हाँ, ये बहुत सख्त सवाल है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप कैसी माँ हैं, आपकी सास कैसी थी, ये बहुत सख्त सवाल है। किसी भी इंडिविजुअल से पूछिएगा तो वो जरूर सख्त पका जाएगा। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अमन भाई, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन, मैं एक सेकंड कंप्लीट कर लूँ सर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन इंडियन टू सस्टेन इन द लुटियंस वर्ल्ड। ये जो लुटियंस वर्ल्ड है ना, लुटियन वर्ल्ड केवल एक एड्रेस नहीं होता है, लुटियन वर्ल्ड होता है एलिटिसिज्म, वो एक वाइन डाइन क्लब होता है। इसमें आके आप अगर गांव से एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे, इसमें आप अगर आके पांव जमाएंगे, तो ये जो कंफर्ट जोन में रहने वाले बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। वो पूरा अपना सारा अस्त्र शस्त्र लेके आपको अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको कष्ट पहुंचा रहे हो, आप उनको तकलीफ दे रहे हो। इसलिए दिस इज नॉट अबाउट वन स्मिता प्रकाश, ये एक स्मिता प्रकाश के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट एंट्री ऑफ टू पीपल, अमित भाई शाह एंड नरेंद्र मोदी, जो कि लुटियन दिल्ली के नहीं है और यहां आ गए हैं भारत को एक नई दिशा देने के लिए। बहुत कुलबुलाहट है, बहुत कुलबुलाहट है, और 2019 आ रहा है, ये कुलबुलाहट और भी बढ़ेगी। आप देखते जाइए आगे आगे किस प्रकार मेरे ख्याल से होगा। मेरे ख्याल से मुझे जहां तक ध्यान है संबित, मैं निशांत आपके पास आ रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज का जिक्र भी किया था कि मैं लुटियंस दिल्ली की अभी नजरों में अच्छा नहीं हो पाया, उनकी गुड बुक्स में नहीं आ पा रहा, उनको मैं इंप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, ये उनका जिक्र भी किया था। दिक्कत मेरे ख्याल से यही है क्या निशांत, कि आदतें बिगड़ गई थी, कोई पत्रकार गांधी परिवार पर सवाल ही नहीं उठा पाता था, आदतें इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई थी 70 सालों से, पिछले 4 सालों से जब जवाबदेही तय की गई, राजनीति में परिवार राज से जुड़ा सवाल जब पूछा गया तब दिक्कत हुई, इसलिए दर्द हुआ कि अब तो असली सवाल पूछे जा रहे हैं, किसी ने तो चुनौती दी परिवार राज को। निशांत, 3-4 बातें काफी देर से मैं सुन रहा था, 3-4 बातें रखना चाहूंगा। पहली बात तो लुटियंस का नाम मत खराब कीजिए, राष्ट्रपति भवन से लेकर हर कोई लुटियंस नहीं बनाया है, तो इतना आसानी से उस इंसान का नाम मत खराब किया जाए, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं तो फिर बुरा मान जाएगा, ऑल्दो इस जिंदगी में नहीं है। दूसरी बात यह कि मैं समझ सकता हूं कि संबित पात्रा पहले भारतीय हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, एटलीस्ट वो ये तो मानेंगे कि मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर ने जो भी जवाब दिया हो, पर उनमें इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किए, ठीक है। अब मैं दूसरी बात नहीं कहना चाहता कि किसने नहीं किए। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्लायबल शब्द की जो बात हो रही है ना, शायद सिद्दीकी साहब ने और दूसरों ने भी बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया है। प्लायबल या लचीलेपन का मतलब यही होता है कि आप जब किसी एक तरफ झुकते हैं, बहुत सही तरीके से कहा, आप खुद अपने चैनल का रिवाइंड करके देख लें कि जितनी बार हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कंपैरिजन करके प्रोग्राम चलाते हैं, किस तरफ झुकाव जाता है। मैं कहता हूं निशान जी, आप होते कौन है तय करने वाले, ये हम तय करेंगे। पूरा बोल लूं अगर देश के प्रति, भारत के प्रति झुकाव है। अब आप सुनिए सर, अब आप जवाब भी सुनिए, अब आप जवाब भी सुनिए सर। नहीं, मेरा पॉइंट पूरा नहीं हुआ, आप मेरा पॉइंट सुन के फिर जवाब दीजिए। सर सुनिए, तर्क ये है कि देश क्या देखना चाहता है, ये आप दिखा रहे हैं या आप जो दिखा रहे हैं देश वो देख रहा है। पहले ये हिंदी सही कर ले, भारत से जुड़ा सवाल पूछा जाएगा तो वो किसी पार्टी के प्रति नहीं है। जर्नलिस्ट का भारत, अभी किसी ने करण थापर साहब का नाम लिया, आई थिंक परवेश भाई ने करण थापर का नाम लिया, मैं उन्हीं की बात करता हूं। करण थापर ने यह कहा है कि नैरेटिव जर्नलिस्ट ना बनाए जी, एक जर्नलिस्ट जो है वो नैरेटिव ना क्रिएट करे शुरुआत और अंत ऑफ द प्रोग्राम में, सवाल करे और नैरेटिव ना क्रिएट करे। इसीलिए आप देश को क्या दिखाना चाहते हैं वो तो आप दिखा रहे हैं, देश क्या देखना चाहता है ये तो आप भी नहीं डिसाइड कर सकते। मैं कहता हूं सर, कैसा नैरेटिव किया जाता है, कुछ सवाल जनरल बात कर रहा हूं, चल रहे हैं, ठीक है। मैं बताता हूं, हां मैं बताता हूं नैरेटिव कैसे होता है। जैसे संबित पात्रा ने कहा, संबित पात्रा ने कहा महिला पत्रकार सोनिया गांधी से क्या सवाल पूछे गए थे, बहुत सख्त सवाल को याद है, ये बहुत मुश्किल सवाल था, बहुत खतरनाक सवाल था। इंदिरा गांधी को घर में खाने में क्या पसंद है, निशान देख लीजिए, तब ये बहुत सख्त सवाल था। सास बहू का रिश्ता कैसा था, ये बहुत सख्त सवाल है। क्या इंदिरा गांधी सास के रूप में बहुत सख्त थी, ये बहुत सख्त सवाल है ना सर।
दीजिए मुझे कौन से, वेरी गुड, कौन से नहीं ताली बजा रहे, कौन से नोटबंदी फ्लॉप रही, मैं बता, ये सवाल पूछा गया गंगा की सफाई, आपको पता है क्या सवाल, मैं सवाल सवाल दिखाता हूँ, गंगा की सफाई पे सवाल किया गया, जवाब नहीं मिला। अच्छा चलिए, आप जिस तरह से काउंटर कर रहे हैं, मोदी मैजिक खत्म हो गया है या ना के बराबर है, पहले डिफाइन, ये बहुत आसान सवाल, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू था, कांग्रेस मुक्त भारत का मकसद फेल हो रहा है, जब तक हम मिक्स करके कॉकटेल बनाएंगे ये नहीं चलेगा, पहले कॉकटेल ना बनाई जाए। तो प्रकाश के पक्ष में एक बात कहना चाहता हूँ, अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, इसमें तो प्रकाश के पक्ष में एक बात कहना चाहता हूँ, सही बात कह रहे हैं इसमें तो प्रकाश ने सारे सवाल किए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात में कहना चाहता हूँ कि इसमें तो प्रकाश ने वो सारे सवाल रखे हैं जो रखे जाने चाहिए, तो मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि 2018 में वो सारे सवाल जो बहुत सारे पत्रकारों ने किए थे, माफ कीजिएगा, जिसमें से कुछ आपकी चैनल से भी संबंधित थे, इसने सीधे सीधे सवाल नहीं किए थे, तो मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात यह उन्होंने कुछ सब्सिडी सवाल भी किए, दूसरी बात यह इसमें तो प्रकाश ने सब्सिडी सवाल भी किए, वो भी मुझे अच्छा लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक अलग बात है परवेज भाई, लेकिन हिट एंड रन है, सवाल बताइए, नहीं नहीं हिट एंड रन नहीं है, मैं आपको 360 सवाल, मैं आपको सवाल बताऊंगा, देखिए अच्छा इंटरव्यू वो होता है जिसमें आप सब्सिडी सवाल करते हैं सर, अच्छा सब्सिडी सवाल ये करते हैं कि एक प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या किसी भी पार्टी का अध्यक्ष हो, वो जब घुमा फिरा के जवाब देता है, तो आप फिर सब्सिडी सवाल करते हैं, दो और करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक सर, हार्ड टॉक सुनिए, बीबीसी का हार्ड टॉक प्रोग्राम देख लीजिए, ऐसा प्रोग्राम करवा दीजिएगा राहुल गांधी के साथ, बीबीसी का, और बीबीसी नरेंद्र मोदी के साथ देखे सर, बहुत अच्छा लगा, बीबीसी के हार्ड फैक्ट्स भी देखे सर, मैंने उस पर मैं डिबेट नहीं कर रहा, 10-10 बार सवाल कर रहे, वेरी गुड, यही चीज वहां मिसिंग थी, तो ये मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं कि अमन साहब जिस तरह अभी तक काउंटर पे काउंटर कर रहे हैं उसमें क्यों नहीं था कि जब सवाल दिया, मैं बताता हूं, आपने पूछा सवाल, क्या सवाल है आपका, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, एक मिनट, आ रहा हूं निशान, 2014 के बजाय अब कहा कि एनडीए का रोल ज्यादा होगा, बीजेपी की क्लियर मेजोरिटी के संकेत नहीं आ रहे, तो फिर उस पे काउंटर सवाल, आप होते तो कैसे चढ़ते, आप अगर राहुल गांधी होता तो आप चढ़ जाते, पर वही चीज एक अच्छे इंटरव्यूअर की होती है, काउंटर सवाल करे भले भले शालीनता से, सर चढ़ाई करी थी, आपको उदाहरण देता हूँ, राहुल गांधी से पूछा था समोसा पसंद है या गुड़ की जलेबी, चढ़ाई करी थी सर, पास्ता पसंद है, नरेंद्र मोदी ये चढ़ाई करी थी, राहुल गांधी पर बहुत बढ़िया चढ़ाई करी थी सर, यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी सवाल, शायद सिद्दीकी साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, प्लीज सवाल, प्लीज सर, बहुत पैनलिस्ट और वेट कर रहे हैं, प्लीज निशान जी, और निशान जी रिक्वेस्ट करता है पूरे सम्मान के साथ सर, प्लीज कोई संवाददाता सम्मेलन नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया सर, शायद सिद्दीकी मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये सवाल शायद सिद्दीकी, मोदी मैजिक कम हो गया या ना के बराबर रह गया, ये सवाल पूछा गया, कांग्रेस मुक्त भारत का मकसद फेल हो रहा है, ये सवाल पूछा गया, नोटबंदी की जरूरत थी, नोटबंदी झटका था, ये सवाल पूछा गया, जिनपिंग को गुजरात लेकर गए 12-13 बार मिले फिर भी भारत को डोकलाम मिला, नीरव मोदी मेहुल चौकसी माल्या को भारत लाने में नाकाम हुए, ये सारे सवाल पूछे गए सर, फिर भी प्लाइबल कैसे जी, इसके जवाब पे अटैक करिए मोदी को, सर आप ही सिखा दीजिए ना इंटरव्यू कैसे लेना है, आप ही सिखा दीजिए ना इंटरव्यू, खोल लीजिए, इंटरव्यू लेना नहीं है भाई, तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, आप एक निशान जी बीच में नहीं, निशान जी बीच में नहीं, प्रोग्राम बढ़ाएं, एक सवाल करें, थोड़ा सलीके से कर रहे हैं, निशान जी आपका नाम शाहिद सिद्दीकी है क्या, यह क्लियर हो जाए, आपका नाम शाहिद सिद्दीकी है क्या, दीजिए ना आपका नाम शाहिद सिद्दीकी है क्या, निशान जी प्लीज, शाहिद सिद्दीकी साहब भी बोलेंगे, जी जी शाहिद सिद्दीकी आप बोलिए, संबित उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, जनतो तो आपके पास भी आ रहा हूँ, शाहिद सिद्दीकी निशान जी बोलने दीजिए, देखिए ये मैंने आपसे कहा कि मैं सुमिता जी को बहुत पुराना जानता हूं, उनके पिताजी को भी पीआईबी में यहां प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, राव साहब उनको भी जानता हूं, ये जो एनआई जिन्होंने प्रकाश जी ने शुरू की उस वक्त से मैं जानता हूं कि कैसे यूनुस खान साहब की मदद से, उस वक्त कांग्रेस में यूनुस खान साहब थे, उनकी मदद से ये एनआई शुरू हुई थी, मैं पूरा इतिहास जानता हूं, और मैं समझता हूं कि लेकिन इस इंटरव्यू में जो सवाल किए हैं वो सारे सवाल हैं जो हम सवाल करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने किया इंटरव्यू, बहुत अच्छे सवाल उठाए, और इसमें कोई राय दो राय नहीं है, और राहुल जी को प्लायबल नहीं कहना चाहिए था, लेकिन साथ साथ हम इस परंपरा को भी खत्म करें कि बहुत सारे मंत्री जो है किसी भी पत्रकार को प्रेस्टिट्यूट कह देते हैं, महिला पत्रकारों को प्रेस्टिट्यूट, बड़ी सीनियर जो पत्रकार हैं उन्हें प्रेस्टिट्यूट कह देते हैं, पीडी कह देते हैं, तो ये भी गलत है, तो आप पत्रकारों की ईमानदारी पर सवाल ना उठाएं, उनके उनके काम पर सवाल उठाएं कि आपने ये इंटरव्यू ठीक नहीं किया, आपने ये रिपोर्ट ठीक नहीं दी, आपने ये गलत रिपोर्ट दी, बहुत सारी गलतियां पत्रकारों से होती हैं, ये समझना कि पत्रकार जो है
हैं वो गलतियां नहीं करते, ये गलत रिपोर्टिंग नहीं करते, ये कहना गलत होगा। मैं बहुत जिम्मेदार, मैं एडिटर्स गिल्ड का बहुत जिम्मेदार मेंबर रहा हूं पिछले 30 साल से, और मैं समझता हूं कि हम पत्रकारों में भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खराबियां हैं, मानना चाहिए इस बात को। लेकिन उसके साथ साथ हमारी ईमानदारी पे आप सवाल नहीं उठाइए जब तक ये साबित ना हो जाए कि हाँ हम बेईमान थे या हमने बेईमानी की थी। अगर साबित नहीं हो रहा है तो हमारे सिर्फ आप हमसे असहमत हैं इसलिए आप हमें बेईमान कह दें, ये गलत है। आप हमसे असहमत हैं इसलिए प्लायबल कह दें, ये गलत है। इसको हमें कंडेम करना चाहिए और इसको हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें अपनी गलतियों को भी समझना चाहिए। वी आर नॉट अबव क्रिटिज्म, ये हमें मानना चाहिए। ये कहना कि पत्रकार पे कोई सवाल ना उठाए ये गलत होगा, इसको मैं सहमत नहीं हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। संबित, देखिए मैं तीन मुद्दों को यहां रखना चाहता हूं। पहला विषय है कि राहुल गांधी जी ने पत्रकारिता और एक इंडिविजुअल पर अटैक किया, कहीं ना कहीं कमिटेड जर्नलिज्म चाहते हैं। ये कांग्रेस का एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहा है कि इमरजेंसी के समय से और बहुत पहले से भी कमिटेड जुडिशियरी, और जुडिशियरी में उन्होंने क्या किया यहां बैठे सब बड़े लोग जानते हैं, कि इस प्रकार सुपरसीड किया गया जजेस को, यह भी हम जानते हैं। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार का जाल कांग्रेस ने बिछाया, यह भी हम जानते हैं। कमिटेड जर्नलिज्म की बात आज हो रही है। दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं यहां पर कि दो केवल पत्रकारों की बात नहीं हो रही है, यहां लीडरशिप की भी बात हो रही है, मोदी जी और राहुल गांधी की। जहां मोदी जी ने एक 95 मिनट्स का इंटरव्यू दिया, वहीं याद करिए 2013 में राहुल गांधी जी ने एक अंग्रेजी पत्रकार को इंटरव्यू दिया था और उसका नतीजा क्या हुआ था वह हम सबने देखा था, कि अ मैन कुड नॉट सस्टेन इवन 30 मिनट्स ऑफ एन इंटरव्यू। जो अपने आप को लीडर कहते हैं वो 30 मिनट का इंटरव्यू सस्टेन नहीं कर पाए थे। उसमें मुझे याद है समवेयर अराउंड 400 कितनी बार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जनता मुझे ट्वीट करके बता दे कितनी बार वो वुमेन एम्पावरमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो ही कुड नॉट सस्टेन 95 मिनट्स ऑफ इंटरव्यू, तो इसलिए ये कंपैरिजन भी रखिए। और तीसरा विषय सिलेक्टिविज्म का है। देखिए मैंने दोनों तरफ बहुत बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, एक तरफ आलम जी बैठे हुए हैं, एक तरफ घोसाल जी बैठे हुए, सिद्दीकी जी बैठे हुए हैं। आप प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप लोगों ने सिलेक्टिविज्म देखा नहीं कल रात के बाद से? देखिए अगर यही खुदा न खास्ता ये शब्द मोदी जी के या अमित शाह जी के मुंह से निकल गया होता कि प्लायबल स्मिता प्रकाश जी, तो द हेल वुड हैव ब्रोकन लूज। हजारों पत्रकार, एडिटर गिल्ड, सब कुछ एक मिनट के अंदर काम हो चुका होता, न जाने क्या क्या ट्रेंड करना शुरू हो गया होता, सब लोग दो दो मिनट में ट्वीट करना, और एकदम ऐसा लग रहा होता जैसे कोई प्रलय आने वाला हो। मगर हियर वी आर डिस्कसिंग एंड डिस्कसिंग, उससे आगे कुछ नहीं हो रहा है। ये जो सिलेक्टिविज्म है, हम उस सिलेक्ट सर, मैं इसका जवाब दे रहा हूं सर, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। आप तो अधिकार है, सिलेक्टिव क्यों कह रहे हैं? उस दिन आप याद करिए, आप तो सहमत हैं कि प्लायबल वर्ड नहीं होना चाहिए था। मैं जवाब दे रहा हूं सर, मैं जवाब, और आप क्या चाहते हैं? आप ही को जवाब दे रहा हूं आलम भाई, मैं आप ही को जवाब दे रहा हूं। आलम भाई सिद्दीकी साहब बोल रहे थे, आलम भाई मैं आप ही को जवाब दे रहा हूं। आपने एक उदाहरण दिया कि उस दिन क्या हुआ, सिद्दीकी साहब मैं आप ही को जवाब दे रहा हूं, आपको तो मैं बहुत पसंद करता हूं। देखिए सिद्दीकी साहब, उस दिन क्या हुआ आपने भी देखा होगा, द हेल जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया ना, द हेल वुड हैव ब्रोकन लूज, एक्चुअली द हेल ब्रोक लूज, और उसके बाद हमें बाहर आके उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ा, उस विषय पे बात भी रखनी पड़ी, उस विषय पे तमाम डिबेट्स और बहुत कुछ हुआ। मगर आज मैं जी न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि देखिए पत्रकारों पर हमला हुआ, और मुझे लगता है किसी चैनल ने अगर इसमें डिबेट किया है, ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये पत्रकारों का विषय है, पत्रकारों के विषय पर अगर किसी चैनल ने डिबेट किया है तो उसका नाम शायद जी न्यूज है। मैं बाकी भी देखूंगा कि डिबेट के टॉपिक क्या क्या है, मगर मैं आपको धन्यवाद जरूर दूंगा। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक, लेट अस शन दिस सिलेक्टिविज्म। आप भी कल अटैक के घेरे में आ सकते हैं, इसलिए सिलेक्टिविज्म कभी नहीं। ठीक है सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल से आप कुछ एड ऑन करना चाह रहे थे। हाँ तो वो बिल्कुल नहीं, और आपने ये भी देखा कि जी न्यूज के इसी डिस्कशन में शाही सिद्दीकी हैं, परवेज आलम हैं, घोषाल साहब हैं, इन तीन बड़े पत्रकारों ने जो भी है या छोटे पत्रकारों ने इस बात की चिंता की कि शब्द बुरा है, लायबल एक पत्रकार के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये भी तय हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिद्दीकी साहब, जयंत दा मैं आपके पास आ रहा हूं। सिद्दीकी साहब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जी। आप जानते हैं कि नहीं, यहां जितने पत्रकार बैठे हैं शायद मैं हूं जो 4-5 बार जेल गया हूं अपनी पत्रकारिता के लिए, और कांग्रेस के खिलाफ लिखने के लिए गया हूं। राजीव गांधी के जमाने में भी जेल गया हूं, इंदिरा गांधी के जमाने में मेरे पिताजी और मैं और मेरे भाई जेल गए हैं पत्रकारिता के लिए, किसी गलत काम के लिए। अंग्रेजों की जेलों में मेरे पिताजी रहे 1914 से मुसलसल, अंग्रेज के खिलाफ लिखने के लिए, आजादी की लड़ाई में लिखने के लिए। तो हम उस पत्रकारिता में विश्वास करते हैं कि जो सच्चाई का झंडा लेकर चलती है और किसी के आगे झुकती नहीं है।
तो इसलिए इसलिए मैं सलाम करता हूं उन सारे पत्रकारों को, जी टीवी के हो चाहे वो रिपब्लिक टीवी के हो चाहे वो टाइम्स नाउ के हो, कि जो ईमानदारी से सवाल उठाते हैं और हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, उन सबको मैं सलाम करता हूं। सरकार को कटघरे में खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है और अपोजिशन से भी सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है। हर कोई कह रहा है चाहे परवेज आलम साहब है कि इस तरह के शब्द से राहुल गांधी को बचना चाहिए था और राहुल गांधी को सीधा शूट दी मैसेंजर जैसे कहते हैं नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल आपसे जयंतोदा ये है, तो फिर या तो राहुल गांधी को वही पत्रकार पसंद है जो कार्यकर्ता बनकर रहे, वही नॉन प्लायबल है, बाकी सारे प्लायबल है। पत्रकार पक्षकार थोड़ी ना होगा, पत्रकार तो पत्रकार होगा या कार्यकर्ता बनकर रहे उनके। लेकिन आपने उस वक्त सवाल नहीं उठाया जब पत्रकारों को प्रेस इंस्टीट्यूट कहा गया, उस वक्त आपने सवाल नहीं उठाया और आप भी अभी पीडी पीडी कह रहे हैं बार बार, क्यों कह रहे हैं पीडी पीडी पत्रकारों को? मीडिया में उठा है ना सवाल, पूछा था ना पीडी वाला आपको, शायद आपने वो अवॉइड किया। मीडिया में बहुत चर्चा हुआ है। जी 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 बोलिए आप जयंतोदा, बोलिए। नहीं देखिए देखिए जब वीके सिंह कुछ बोलते हैं तब देखिए, मेरा कहना बहुत सिंपल है, सिद्दीकी साहब जो बोले हैं मैं उनके साथ 100% सहमत हूं। मैं भी सिद्दीकी साहब को बहुत सम्मान करता हूं, सीनियर है और सिर्फ वो पत्रकार का डीएनए है। सिद्दीकी साहब तो एक ग्रुप का मालिक है, फिर भी वो न्यूज़पेपर का जो बेसिक डीएनए है वो एक परिवार ही है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब वीके सिंह कुछ बोले थे तो क्या हम लोग कंडेम नहीं किए थे? कंडेम तो किए थे। एग्जैक्टली और आज भी हम पर्सनल कोई मेरा ग्रुप के बारे में नहीं कहना आया हूं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट रीजनल मीडिया में भी कितना तीखी क्रिटिसिज्म बीजेपी के बारे में हो रहा है और हमारे देश में अभी भी कोई इमरजेंसी लागू नहीं हुआ है और हम लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं और प्रेस क्लब से हम लोग जुलूस निकालते हैं जब कोई पत्रकारों के ऊपर कोई असॉल्ट होता है, जब कोई इंसिडेंट होता है। आज भी हो रहा है, ऐसे तो नहीं है इनकी नहीं हो रहा है, लेकिन कल जो हुआ है उसमें अगर हम चुप करके रहे और कहे कि राहुल गांधी ने जो प्लायबल बोला है उसको हम माफ करेंगे, नहीं सर ये चुप तो क्या है? मैं भी सिलेक्टिव जर्नलिस्ट बन जाता हूं। तो ये पद्म और देखिए मैं अभी यहाँ व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहिए राज्यसभा, लेकिन मैं कहूंगा चुनाव के पहले मैं सर ये एक परिवार के लॉयलिस्ट है ना जो कार्यकर्ता बनकर रह गए हैं वही चुप है ना। एक पत्रकार को गाली तो दूसरा पत्रकार ताली कैसे बजा रहा है सर? कोई कोई परिवार कोई कोई दल कोई नेता का लॉयलिस्ट, हम लोगों को कोई एक बार कहा था कि पत्रकार को भी कोई लॉयलिस्ट क्रॉनी नहीं होना चाहिए। देखिए मैं बहुत विनम्रता के साथ, यहाँ बहुत सीनियर लोग हैं, हम ये कहना चाहता हूं कि लास्ट 2014 के चुनाव के पहले मैं भाग्यवान हूं, मैं राहुल गांधी का भी इंटरव्यू किया था, लेकिन हम लोग भाषा पत्रकारिता करता हूं, बंगला पत्रकारिता करता हूं, लुटेंस दिल्ली में उनका जिक्र ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उस समय भी हम मोदी जी का इंटरव्यू करने के लिए गुजरात गए थे और हम राहुल जी के इंटरव्यू लेने के लिए तुखलोक लेन गए थे। तो कोई हमने तो कभी ऐसे कोई अप्रोच नहीं लिया था कि हम सिलेक्टिव करेंगे, तो क्यों आज के दिन में जब राहुल गांधी कुछ अगर ऐसे कहे कि जिसको कंडेम करना चाहिए जी, तो उसमें हम क्यों नहीं करेंगे? तब वो भी तो पत्रकारिता का सटीक उचित काम नहीं होगा ना। तो इसीलिए मैं इसीलिए ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी लॉयल्टी वर्मा राहुल कह दीजिए राहुल गांधी को कोई हक नहीं है पत्रकार को प्लायबल कहने का, कह दीजिए कोई हक नहीं है राहुल गांधी को या एक परिवार को पत्रकार पर सवाल उठाने का। पहली बात मैं तीन बातें रखना चाहूंगा कि संबित पात्रा साहब 2002 में कहा थे जब गुजरात में नरेंद्र मोदी सीएम रहते कुछ चैनल्स को उन्होंने बैन किया था, पत्रकारिता का गला वहां भी घोटा गया था जैसे हम इमरजेंसी की बात करते हैं और मैं गुजरात में बैठा ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात मैं एक साफ कर देना चाहता कर दिया हूं कि प्लायबल शब्द हाँ जी बैन किया था, मेरे पास के पूरे इंडिया के पास रिकॉर्ड है। प्लायबल शब्द अभी इस पूरी बहस के अंदर निकल के आया है, कई लोगों ने कहा है कि प्लायबल लोग हैं, तो यदि कोई अपना परसेप्शन रखता है कि उन्हें प्लायबल फील हुआ तो फिर हुआ, और ये इससे साबित भी होता है कि आप सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं भाई, और इनफैक्ट सवाल इनफैक्ट सवाल भी इस तरीके सी आई हैव कम मैं एक कम्युनिकेशन आप जर्नलिस्ट होंगे सर्टिफिकेट का आदमी मैं बता रहा हूं आपको आपसे सवाल पूछे तो नॉन प्लायबल है, सवाल पूछे तो प्लायबल है। आप जर्नलिस्ट हैं
आप जर्नलिस्ट हैं तो मैं भी कम्युनिकेशंस का आदमी हूं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बहुत सबको पता होता है। सर, वहां पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि वो अपना भाषण दे सके। क्या सवाल पूछेगा? वो भाषण दे सके, आप तय करेंगे। नहीं तो एक अच्छे पत्रकार को फिर अभी डिफाइन किया गया आपके पैनल पे, आपके ही पैनल पे कई लोगों ने डिफाइन किया एक अच्छा पत्रकार कौन होता है। तो फिर अगर उस परिभाषा को लिया जाए तो फिर कल का इंटरव्यू तो फिर लचीला हुआ। नहीं सर, नहीं अभी दोनों बातें नहीं होती ना, नाव के दो। तीसरी बात यह है, जो पास्ता पर सवाल पूछे, समोसे जलेबी पिद्दी से जुड़े सवाल पूछे सर, क्यों? अच्छा पत्रकार तो वो भी है जो कहता है योगी आदित्यनाथ ने लोटे में चाय पी, प्लास्टिक की बोतल में पानी पिया। जब वो चलता था टीवी पे तब आप उसको अच्छी पत्रकारिता कहेंगे क्या? योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने लोटे में चाय पी, प्लास्टिक की बोतल में पानी पिया, स्टील के गिलास में पानी पिया, पहली बार ऐसे हाथ किया, क्या वो अच्छी पत्रकारिता थी? रिवाइंड करके देखे सारा कुछ मिलेगा। तो लचीलापन का मतलब यही होता है मेरे ख्याल से, और मैं गलत होना चाहता हूं, लचीलापन का मतलब यही होता है कि आप एक को प्रोजेक्ट करना नहीं चाहते पर कर जाते। चलिए ठीक है, अब मेरे पास आखिरी दो मिनट है, मेरे साथ पांच पैनलिस्ट है, मैं सबको 30-30 सेकंड दे रहा हूं टाइमर के साथ, कोई किसी के बीच में ना बोले। सबसे पहले संबित 30 सेकंड, फिर एक एक करके सबको 30 सेकंड। समय 30 सेकंड टाइमर के साथ। देखिए पहली बात है, 2002 के विषय में कहा गया कि बीजेपी ने कुछ चैनल्स को बैन कर दिए थे, कोई चैनल बैन नहीं हुआ था, गलत खबर है। दूसरी बात है, देखिए एक नॉट रिलायबल लीडर जिसकी क्रेडिबिलिटी खुद रिलायबल नहीं है, राहुल गांधी जी, वो दूसरों को सर्टिफिकेट दे, ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप ही पूरे डिस्कशन को देखिए, सिर्फ मुझे एक बात लगता है कि जो सिलेक्टिविज्म है, अगर यही भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने कह दिया होता तो आज क्या हो गया होता, और आज राहुल गांधी जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, बहुत लोग सवाल उठाने के तैयार नहीं है, जबकि यहां हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, कौन किस लोटे में पानी पी रहा है, ग्लास में पानी पी रहा है, फीचर स्टोरीज और इंटरव्यूज अलग होते हैं, फीचर स्टोरीज में इस प्रकार के विषय रखे जाते हैं, इसमें बुराई नहीं है। शाह सिद्दीकी 30 सेकंड, शाह सिद्दीकी कंक्लूडिंग कमेंट सर। मैं समझता हूं कि पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी है, राजनीतिज्ञों की, कि वो पत्रकारों पर सवाल ना उठाएं, और पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वो सवाल उठाएं, वो सत्ताधारी पर भी उठाएं और जो बाहर बैठे हैं उन पर भी उठाएं। जो लोग कल ये जलेबी के सवाल पूछ रहे थे और पास्ता के सवाल पूछ रहे थे, वो वही लोग थे कि जो सत्ताधारियों के आगे सर झुकाते हैं, वो आज भी सत्ताधारियों के आगे सर झुकाते हैं। तो बहुत सारे पत्रकार हैं जो भी सत्ता में हो वो उसके आगे सर झुकाते हैं, और जो सत्ता से बाहर होता है उस पर सवाल उठाते हैं। मेरा कहना यह है कि पत्रकार की जिम्मेदारी है ईमानदारी से अपना काम पूरा करे, और अगर कोई बुरा भी कहता है, गाली भी कहता है, उसको सुनने के लिए तैयार रहे। जी अंतुदा, सवाल कौन से होंगे, ये पत्रकार तय करेगा या पार्टी तय करेगी? देखिए पत्रकार के साथ राजनीतिक दल या राजनेता के अच्छा संबंध होना कोई गलत काम नहीं है। हम लोग मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए लोगों के साथ मिलते हैं, और पहले तो और ज्यादा डीप कॉन्टैक्ट ओल्ड क्लासिकल जर्नलिज्म था जब इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप अलग है। लेकिन पत्रकारिता के नाते हम राहुल गांधी को व्यक्तिगत अटैक नहीं कर रहे हैं, और 2019 में चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, सरकार का परफॉर्मेंस, आज ये सब चर्चा का विषय ही नहीं है। लेकिन जी कल राहुल गांधी ने जो किए हैं, जो बोले हैं, वो अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है परवेज आलम, 30 सेकंड परवेज आलम जल्दी से सर, टाइम बहुत कम है। अमन चोपड़ा, आप सख्त सवाल करेंगे मुझसे या भारतीय जनता पार्टी से, मैं हर हालत में आपके अधिकारों की रक्षा के लिए आगे बढ़ूंगा और आपको डिफेंड करूंगा। इसी तरह से मैं उन दूसरे साथियों को जो प्रधानमंत्री से सख्त सवाल करते हैं और उन जो दूसरे लोग हैं उन पर अटैक करते हैं, मैं उसकी भी सख्त भर्त्सना करता हूं। उसमें एक लंबी फहरिस्त है जिसमें राजीव सरदेसाई हैं, सागरिका घोष हैं, राणा यू हैं, इन लोगों को भी अपनी बात कहने का हक है। इसमें प्रसून वाजपेयी हैं, जिसमें अभिसार शर्मा हैं, विनोद दुआ हैं, इन सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, और ये देखना होगा कि इन पे हमला कौन करता है। ठीक है, पत्रकारों पर व्यक्तिगत हमलों के खिलाफ सर्टिफिकेट देने का किसी को हक नहीं है सर, मेरे ख्याल से निशान नंबर 20 सेकंड्स। नहीं, सर्टिफिकेट देने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं, भाजपा को संबित पात्रा जी के बारे में सोचना चाहिए। संबित पात्रा कल एक चैनल पे मेरे को यह साबित करने पे लगे थे कि राष्ट्रगान जनगणमन नहीं वंदे मातरम है, और आज ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई 2002 का बैन नहीं है। अमन जी, मैं 2 दिन में दिल्ली आ रहा हूं, वो वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें नरेंद्र मोदी ने खुद क्लेम किया है कि मैंने NDTV को बैन किया था 2002 में जब यहां पे दंगे फैला रहे गए थे। बस पत्रकार पत्रकार रहे, बस इतना ही चाहता हूं। चलिए ठीक है सर, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का, संबित भाई आपका भी, और जी न्यूज स्टेक ये है, पत्रकारिता का सुविधा अनुसार ज्ञान देना बंद करे कांग्रेस, सुविधा अनुसार।
क्या सवाल पूछना है ये पत्रकार तय करेंगे, नेता नहीं। मीडिया लोकतंत्र का स्तंभ है, इसे राजनीति में ना घसीटें।